नमस्कार, मैं सुंदरी ठाकुर मुंबई महाराष्ट्र से नारी सम्मान संगठन वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन की फाउंडर। हमारे दिवाली आ रही है, बहुत खुशियों का त्यौहार है और पूरा वर्ल्ड मनाता है। हिंदूज तो मनाते हैं लेकिन बहुत लोग इसको मिलकर मनाते हैं। सभी लोग पटाखे चलाना, ये सब हर किसी का एक शौक होता है। मैं उसी के लिए आपको जागरूक करने आई हूँ और कुछ कहने आई हूँ। आप प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैं सभी वर्ल्ड में, इंडिया में अपने महाराष्ट्र के लोगों से बड़ा निवेदन करती हूँ कि दिवाली आ रही है, बहुत खुशियों का त्यौहार है। आप दिवाली मनाएं, जो नहीं मना सकता उसकी मदद करें, उसको कुछ लाके मिठाई दिया कुछ भी दें ताकि वो भी दिवाली मना सके। लेकिन ये जो फटाके हैं ना, ये हमें तिल तिल करके मार रहे हैं और मारेंगे। पहले मुंबई की हालत प्रदूषण की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लोगों को ब्रीद लेने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये जो फटाके हैं इनमें आप पैसे मत डालिए, वेस्ट ऑफ मनी और सेहत से खिलवाड़। तो पैसे खिलवाड़ मतलब आप कितनी जान ले सकते हो इस दिवाली में, ये आप कान खोल के सुनिए। सभी से ये मैं कहना चाहूँगी, बड़ों से बच्चों से। आप समझ रहे हैं ना, लोगों को ब्रीद लेना मुश्किल हो रहा है और ये दिवाली के अवसर पे, ये वन वीक में आप खाली अपना मुंबई का चेक कराना कि क्या प्रदूषण की हालत है, तो सोचो लोगों की क्या हालत होगी। आप ही जान बचा सकते हैं। सभी देश को मैं तो ये कहूँगी कि आप ही हैं जो सबकी हेल्प कर सकते हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं और जो नहीं गुजरे वो भी गुजरने वाले हैं। ये हालत है हमारे देश की प्रदूषण के लिए। तो जो ये सरकारों को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जो कहते हैं प्रदूषण कम कर रहे हैं, प्रदूषण मत कीजिए, कोई ऐसी चीज़ मत कीजिए। नेता बनते हैं तो फटाके चलते हैं, ट्रक के ट्रक फटाके चलते हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए। और आप लोगों ने जो परमिशन दिए हैं पटाखे बेचने वाले की, कोई मैं गलती नहीं कहूँगी, विदाउट परमिशन वो पटाखे नहीं बेच सकता है। तो उसने जब लाखों रुपए डाले हैं तो वो तो पटाखे बेचेगा, खतरनाक से खतरनाक पटाखे बेचेगा। तो मैं ये कहना सरकारों से चाहती हूँ कि आप ही तो हैं जो मार रहे हैं। पब्लिक तो बाद में मारती है ना, मार्केट में जब आएगा तो वो खरीदेगी, मार्केट में आएगा ही नहीं तो खरीदेगी कैसे पब्लिक। छोटा मोटा है, फुलझड़ी है, चकली है, यहाँ तक सहमत है, लेकिन आप मार्केट की स्थिति देखिए। मेरे एरिया में इतने बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं, ये विदाउट परमिशन के तो नहीं लगे हैं। क्योंकि पुलिस को भी मैं नहीं कहूँगी कि पुलिस की गलती है, पुलिस को भी ऊपर से ऑर्डर है तभी पुलिस ये परमिशन देती है, अदरवाइज पुलिस तो दे ही नहीं सकती परमिशन, है ना। तो मेरा अपने देशवासियों से निवेदन है, नेताओं से तो निवेदन कर करके थक गए, नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन मरे कौन जिए, बट मैं अपनी जनता से, अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से, बच्चों से अपील कर रही हूँ, आप ये फटाके मत लीजिए। आप अपनी सुरक्षा, लोगों की, अपने आजू बाजू वालों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हम सब मिलकर कर सकते हैं, ये नेता नहीं करने देंगे। क्योंकि ये फटाके बिकेंगे तो टैक्स भी तो उनको जाता है ना, GST लग रहा है वो उनको जा रहा है, और टैक्स लग रहा है वो उनको जा रहा है, आप खरीद रहे हैं वो टैक्स उनको जा रहा है। तो ये हमें मारने के लिए है, जिंदा रखने के लिए नहीं रख रही है ये सरकार। और ये जो पैसा आप बर्बाद करते हैं ना, लाखों रुपये, ये किसी गरीब की मदद कर दीजिए, अपने लिए कुछ खरीद लीजिए ऐसा जो आपके पास सालों साल रहे, कुछ कपड़े खरीदिए, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लीजिए जो आपको याद रहे कि हमने फटाके ना खरीद के दिवाली पे हमने ये खरीदा, आप सालों साल वो याद रखेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है,
कि अपनी सुरक्षा अब हमें खुद करनी चाहिए। नेता कोई सुरक्षा नहीं करेंगे, उनको सिर्फ वोट से काम है और कुर्सी से काम है। जब तक वोट नहीं दे रहे हो तब तक आपके घर घर आ रहे हैं और आपकी पैर छू रहे हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप सोचिए समझिए। और दीपक और भी ऐसा कुछ दिवाली का सामान है, अब बड़े बड़े स्टोरों से मत लीजिए। जो गरीब स्टॉल लगाकर खड़े हैं, जिनकी रोटी उसी पे चल रही है, आप उनसे खरीदिए। दीपक खरीदिए जो हमारे पुराने ज़माने में मतलब जलाए जाते थे, मिट्टी की चीज़ें खरीदिए आप जो ना हानिकारक होंगी किसी के लिए हानिकारक वो कभी नहीं होंगी। तो आप ऐसी चीज़ें कीजिए। आपने योगी जी को देखा है, लाखों दिए लगाते हैं लेकिन मिट्टी के दिए लगाते, तो हम क्यों नहीं। और ये सब स्टॉल वालों से खरीदिए जो रोड पे बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं, आप उनसे लीजिए, आप उनकी बहुत मदद करेंगे। और जो पैसा फटाकों में बर्बाद करते लोगों में, जिनके घर में दिया जलाने के लिए नहीं, उन्हें दिया ला के दीजिए, मिठाई मत दीजिए, बताशा ला के दे दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, दुआएँ मिलेंगी। और ये जो आप पटाखे चलाते हैं, लोगों की जान पे आती है, तो वो आपको दुआएं नहीं देगा। मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ ना, वो दुआएं नहीं देगा, वो क्या देगा आप समझ सकते हैं। तो सभी से बड़ा मेरा निवेदन है देशवासियों से, आप फटाके ना चलाएं, अपनी सुरक्षा खुद करें, सरकारें नहीं करेंगी, ये मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, सबके घर में दिवाली खुशियाँ लेकर आए, सबके दुख दूर हों, सब सुख शांति से रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू